दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार लोग आपको दो कारणों से ही पसंद करते हैं। पहला, आप कितने कामयाब हो और दूसरा, आप कितने सुंदर दिखते हो। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे साइकोलॉजी सीखना चाहते हो जो आपके जीवन में हर एक कदम पर आपके काम आने वाली है? जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे, गारंटी है आप कहोगे कि यह तो हमारी रियल लाइफ में होता है। तो चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सभी बाजार तो जाते ही होंगे और वहाँ पर दुकान से शॉपिंग भी करते होंगे, तो आप दुकानदार से किसी भी चीज़ के रेट कैसे कम करा सकते हो, आइए समझते हैं। मान लीजिए आप एक कपड़े की दुकान पर गए और वहाँ पर आपने एक शर्ट देखी और वह शर्ट 2000 रुपये की है। अगर आप उस शर्ट के रेट कम कराना चाहते हो तो दुकानदार से ये कहिए, आपकी ये शर्ट है तो अच्छी, मुझे ये शर्ट देखते ही पसंद आ गई, पर इसका रेट तो 2000 रुपये है। अगर इसका रेट 1500 होता तो मैं इसे पक्का खरीद लेता। दोस्तों, इससे क्या होगा कि दुकानदार साइकोलॉजिकल प्रभाव के कारण आपसे आत्मिक रूप से जुड़ जाएगा और वह सोचेगा कि आपके पास 1500 ही होंगे। और दोस्तों, अगर दुकानदार को 1500 में शर्ट को बेचकर कुछ थोड़ा भी मुनाफा होगा तो वो आपको उस शर्ट को 1500 में ही दे देगा। दोस्तों, कभी इस फैक्ट को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप किसी न किसी के साथ बहस या डिबेट तो ज़रूर करते होंगे और हो सकता है आप लास्ट में हार मानकर बैठ जाते होंगे। वैसे अगर आप किसी ऐसे वाद विवाद को जीतना चाहते हैं तो बहस के दौरान अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोलना सीखें। इसका पहला फ़ायदा तो यह है कि सामने वाला गलती से भी आपकी स्पीड नहीं पकड़ पाया तो आपकी बातों का उल्टा जवाब देना उसके लिए असंभव हो जाएगा। और इसका दूसरा फ़ायदा ये कि अगर ये बहस कुछ लोगों के बीच हो रही है तो वहाँ पर मौजूद लोग आपकी तीव्र वाणी से प्रभावित हो जाएंगे और वो आपको कॉन्फिडेंट समझ लेंगे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग बिल्कुल दमदार तरीके से करें और एंडिंग भी दमदार तरीके से करें। बीच में अगर आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा भी देते हो तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस फैक्ट को मैथ के क्वेश्चन में मत लगाना, नहीं तो नंबर 0 हो जाएंगे। ये फैक्ट काम करेगा हिस्ट्री या फिर सोशल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट पर जिसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। और एक बात और, अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो और अगर आपने स्टार्टिंग और एंडिंग दमदार कर दिया तो आप स्पीच कंपटीशन जीत जाओगे। क्यों दोस्तों, है ना अमेजिंग? कभी इस फैक्ट को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर आपका अपनी पत्नी, मम्मी पापा, दोस्त या फिर भाई बहन किसी से भी आर्गुमेंट हो गया है, मतलब कि विवाद, झगड़ा, बहस, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, और उसमें आपका पॉइंट कमज़ोर है, तो इस कंडीशन में आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आप बंदर बनकर सुनते रहो या फिर सॉरी सॉरी बोलते रहो, और एक तरीका और भी है जिससे आप सॉरी बोले बगैर झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं, वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और दोस्तों, अगर ये आर्गुमेंट आपकी पत्नी के साथ हो रहा है तो वो तीसरा तरीका ये है कि आप अपनी पत्नी को बोलो, यार आपने ये साड़ी आज कितने दिन बाद पहनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बस झगड़ा ख़त्म, बाकी आप लोग समझदार हो। यही तरीका दोस्तों के साथ भी चलता है। जैसे किसी बात को लेकर आपका दोस्त आपको सुना रहा है तो उसे बोलो कि यार आपने उस दिन उस आदमी के साथ क्या बहस की थी, आपने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी, बस इतना सुनते ही वह सारे झगड़े भुला देगा। बस आपका कहने का तरीका सही और प्रभावी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका आर्गुमेंट मम्मी पापा, भाई बहन, पति या दोस्त किसी के साथ भी होती है तो एक बार इस फैक्ट को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको सच में हैरान कर देगा। जब हम किसी से हाथ जोड़कर मिलते हैं तो इसका वैज्ञानिक तर्क है कि जब सभी उंगलियों के सेल्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्वा प्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारी आँख, कान और दिमाग पर होता है, जिससे हम सामने वाले को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।